कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा चिकन ले आते हैं और थोड़ा सा चिकन हटा के रख देते हैं फ्रिज पर, ताकि हम अगले दिन उससे थोड़ा बहुत कुछ बना सकें। तो आज मैं थोड़े से चिकन और थोड़े से पालक के साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की इस रेसिपी को हम बनाएंगे लकड़ी में। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया साबुत वाला, आधा छोटा चम्मच सौंफ और एक सूखा लाल मिर्च। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज, इसको ऐसे लंबे आकार में कट किया है, और साथ ही 2 बड़े चम्मच भरकर कूटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा सा कूट कर ही इस्तेमाल करें, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये चिकन की रेसिपी। 1 मिनट के लिए हम सारे चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ में 3-4 हरी मिर्च भी डाल दिया है मैंने बीच से तोड़ करके। बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला टेस्ट आता है, या फिर आप गांव देहात वाला भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब मैंने 1/2 किलो चिकन अच्छे से धोकर साफ़ करके इसमें मैंने डाल दिया है। सारे चीज़ों के साथ साथ चिकन को हम 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे नमक भी डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक डालते साथ ही आप देखेंगे चिकन काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 बिल्कुल लाल लाल वाले टमाटर। देसी टमाटर लिया है मैंने, थोड़े से जो खट्टे वाले होते हैं ना वो। मुझे ये चिकन जो है ना थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन पे आता है ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस टमाटर डालकर एक बार अच्छे से कर दिया है मैंने मिक्स। अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे लगभग 3-4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो सके। 3-4 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे। काफ़ी सारा पानी भी अपने आप ही रिलीज़ हो गया है। बहुत ही जल्दी से बनती है रेसिपी, और स्वाद ना, एक तो हम इसको लकड़ी कोयले में बना रहे हैं, उसका एक अलग ही सा फ्लेवर आता है, और साथ ही बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी तैयार होती है। बस चिकन के पीसेस को आप थोड़े से छोटे टुकड़ों में रखना। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच आमचूर। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने बताया ना, ये जो रेसिपी है ना, ये जो प्रिपरेशन है, हल्का सा इसमें खट्टापन आप ऐड करेंगे ना तो टेस्ट ही ज़्यादा लगता है। बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए आमचूर भी ऐड कर दिया है। मिक्स कर देंगे और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं ढककर पकते हुए। इसको खोलकर एक बार चेक करेंगे। बढ़िया, टमाटर गल गए हैं, सारे मसाले भी पक गए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है काफ़ी सारा पालक, अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है पालक के पत्तों को। मैंने इसको काटा नहीं है, बस हल्का सा हाथों से ना क्रश कर दिया था, तो थोड़ा सा इसलिए मुड़ा मुड़ा सा दिख रहा है पत्ता। पालक को डालते साथ ही चलाना नहीं है, बस डालकर थोड़ा सा सेट करके अब हम इसको ढक कर छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और उसके बाद हम पालक को अच्छी तरीके से चलाएंगे। इससे पालक को चलाने में आसानी सी भी होती है, और साथ ही पालक जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाता है भाप भाप में, तो बढ़िया इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे से रिलीज़ होता है। तो बढ़िया तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और लगभग इसी तरीके से 2-3 मिनट बिना ढक्कन लगाए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। इसे डालकर अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। मैं तो इसको लकड़ी कोयले में बना रही हूँ, लकड़ी और कोयले के साथ, पर आप इसको गैस पर भी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर करना कि अगर आप भी इसको लकड़ी कोयले में बना सके तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब लास्ट में 5 मिनट के लिए ढक देंगे, या फिर तब तक ढकना है जब तक चिकन पूरी तरीके से पक ना जाए। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ढककर हम पकाएंगे तो भाप बनता है, उसी पानी में ये आसानी से पक जाता है। बस चिकन के पीसेस आप छोटे रखें। तो ये लो, हमारा चिकन पूरी तरीके से पक गया है। बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी बनती है रेसिपी। पालक भी अच्छी तरीके से पक गए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन है, आप इसको ना एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो लीजिए, हमारी तैयार है चिकन पालक की रेसिपी। बहुत ही झटपट बनती है, स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली चिकन और पालक आप बोल सकते हो। रोटी पराठे के साथ या फिर राइस के साथ आप इसको एंजॉय करें।
मैं यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ हरी मिर्ची, धनिया और थोड़े से मैंने यहाँ पे इस तरीके से टमाटर लिया है। ये देखिए टमाटर को भी हम इस तरीके से रख देंगे, बिल्कुल ढाबा वाला लुक आ जाएगा। सबसे खास बात है ना इस रेसिपी का कि हमने कोई भी ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं डाले, और पालक के साथ बनाया है। पालक का एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो आप ना इस तरीके से मेरे स्टाइल वाली ये पालक चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।